हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनील कौशल में, जहां पे आपको कंप्लीट जानकारी मिलती है सभी जॉब्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज भी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं ढेर सारी नौकरियां। और अगर आप लोगों को और भी ज़्यादा जॉब्स की जानकारियाँ चाहिए, और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, चाहे वो प्राइवेट जॉब है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब है, और चाहे वो पार्ट टाइम जॉब्स हैं, घर बैठे वाली जॉब्स हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट पे ढेर सारी नौकरियां इस बार निकली हैं हिमाचल प्रदेश में, जिसके बारे में आज हम पूरी जानकारी, पूरी इंफॉर्मेशन जो है डिस्कस करेंगे। और आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें। बहुत सारी जॉब्स हैं, मतलब हर टाइप की आज जॉब्स निकली हुई हैं। ऐसा कहेंगे कि जॉब्स का एक पिटारा खोला है हिमाचल गवर्नमेंट ने, और भंडार लगाया हुआ है जॉब्स के बारे में। तो मैं आज जो सबसे पहले आप लोगों के साथ जॉब्स के बारे में बात करने वाला हूं, हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में जो वैकेंसीज निकली हैं उसकी नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। 8 अप्रैल 2021 को इनकी नोटिफिकेशन निकल चुकी है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 37/1/2021। तो यहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है, ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन। ओआरए का जो फॉर्म है वो 10 अप्रैल 2021 से भरना शुरू हो जाएगा, और जो क्लोजिंग डेट रहेगी इसकी वो रहेगी 9 मई 2021। तो बात कर लेते हैं हम जॉब्स कौन कौन सी हैं, वैकेंसीज कौन कौन सी हैं, क्या उसके लिए एज क्राइटेरिया रहेगा। तो सबसे पहली जो वैकेंसी निकली है फ्रेंड्स, वो है हेल्थ एंड वेलफेयर फैमिली वेलफेयर स्टाफ नर्स के लिए। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब रहेगी, और इसका जो स्केल है वो लगभग 10,300 से 34,800 प्लस 3200 जीपी रहेगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल एमोलमेंट्स रहेगा आपको 13,500 रुपया पर मंथ। पोस्ट का जो कोड है वो है 893। नंबर ऑफ पोस्ट की अगर बात करें तो टोटल है 90 वैकेंसीज हैं यहाँ पे। उसमें से जनरल के लिए WXM की 54 है, SC की 17 है, ST की 7 है, OBC की 12 है। अब बात करते हैं अगली वैकेंसी के बारे में। अगली वैकेंसी है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फार्मासिस्ट की एलोपैथी में। ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब है। इनका जो स्केल है 5,910 प्लस लाइक 20,200 प्लस 3,000 GP है। कंसोलिडेटेड कॉन्ट्रैक्चुअल अमाउंट जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 5,910 20,200 प्लस 3,000 प्लस 150% ऑफ GP पर मंथ। इसमें टोटल वैकेंसीज निकली है फ्रेंड्स 100 वैकेंसीज हैं। और इसके बाद जो अगली वैकेंसी है वो है हॉर्टिकल्चर बी कीपर की। ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। इसका जो कोड है 895 है, और इसमें टोटल वैकेंसीज निकली हैं 4, जनरल के लिए 3 और अनरिजर्व के लिए SC अनरिजर्व के लिए 1। इसके बाद इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑफिसर की है सेरिकल्चर में। ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। 896 इसका कोड है, और जनरल अनरिजर्व की 2 पोस्टें हैं, टोटल 2 हैं। इसके बाद HP फूड्स सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स में वेट एंड मेजर ऑर्गेनाइजेशन मेंटेनेंस सुपरवाइजर की जॉब निकली है। ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगी। कोड रहेगा इसका 897, और इसकी एक ही वैकेंसी यहाँ ओपन हुई है। नेक्स्ट वैकेंसी है फ्रेंड्स HP स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड में अकाउंटेंट की। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब रहेगी। इसमें आपको इनिशियल पे मिलेगी 14,100, कोड है 898। इसमें टोटल वैकेंसीज हैं 2, जिनमें से एक EWS के लिए है, दूसरी SC के लिए 1 है। इसके बाद जो अगली वैकेंसी है वो HP स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में है ऑक्शन रिकॉर्डर की। ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगी। आपको इनिशियल पे इसमें मिलेगी 13,500 रुपया, और 899 इसका कोड है। टोटल वैकेंसीज 6 हैं। जनरल अनरिजर्व के जो जनरल कैटेगरीज में हैं वो 4 वैकेंसीज हैं, EWS की 1 है, OBC अनरिजर्व में 1 है। इसके बाद आगे चलते हैं अगली वैकेंसीज के बारे में। HP पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन में लिमिटेड में निकली हैं जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्टें। टोटल वैकेंसीज हैं 5, और इसका कोड है 900, और इन 5 वैकेंसीज में से EWS के लिए 2, SC अनरिजर्व के लिए 1, ST के लिए 1, OBC अनरिजर्व के लिए UR के लिए 1।
इसके बाद एचपी पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड में इलेक्ट्रीशियंस की वैकेंसीज भी निकली हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, और यहाँ पे आपको जो फिक्स अमाउंट मिलेगा 9,450 रुपये मिलेगा फिक्स, और 901 कोड है, टोटल वैकेंसीज हैं यहाँ पे दो। अब इसके बाद जो अगली है वो है फोरेंसिक्स सर्विसेज में साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री एंड टॉक्सिकोलॉजी में, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है और 14,100 शुरुआत में आपको मिलेगा अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, और कोड है 902, टोटल वैकेंसीज यहाँ पे एक है। अगली जो वैकेंसीज हैं फ्रेंड्स वेरियस डिपार्टमेंट्स में वो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगी, 903 नंबर यहाँ का कोड है। अब इसमें जो नेम ऑफ द डिपार्टमेंट है, सबसे पहला डिपार्टमेंट है एम्पावरमेंट ऑफ एससीज ओबीसीज माइनॉरिटीज एंड द स्पेशली एबल्ड, उसमें टोटल 6 वैकेंसीज हैं। फिर एलिमेंट्री एजुकेशन में 2 वैकेंसीज निकली हैं, डीसी सोलन में 1 वैकेंसी है, प्रिजंस एंड करेक्शनल सर्विसेज में 1 वैकेंसी निकली है, सेटलमेंट ऑफिस शिमला में 3 वैकेंसीज हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 2 वैकेंसीज हैं, प्रोसिक्यूशन के लिए 8 वैकेंसीज हैं, और इसके अलावा ये टोटल हो जाती हैं 23। तो 23 अकेडमीज होगी टोटल, 23 वैकेंसीज होगी टोटल, इसके बाद हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में लॉ ऑफिसर की जॉब निकली है रेगुलर बेसिस पे थ्रू लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम अमंगस्ट HRTC एम्प्लॉय, स्केल फुल रहेगा इसमें 10,334 प्लस 4400 जीपी, और इसका कोड रहेगा 904। इसमें एक ही वैकेंसी है लेकिन ये सिर्फ HRTC एम्प्लॉयज के लिए ही है। उसके बाद अगली वैकेंसी भी अगर बात करें तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन की ग्रेड 2 की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब निकली हुई है, इसका कोड रहेगा 905। ये टोटल वैकेंसीज हैं 29। फिर हिमुडा में जूनियर इंजीनियर सिविल में वैकेंसीज निकली हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, और इसका कोड रहेगा 906, और इसमें टोटल वैकेंसीज रहेंगी 6। अब बात करते हैं हिमुडा में ही स्टेनोटाइपिस्ट की भी रिक्वायरमेंट है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, कोड रहेगा 907, टोटल वैकेंसीज है 3। फिर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लेबोरेटरी टेक्नीशियन की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, 908 कोड है, टोटल यहाँ ये जनरल स्पोर्ट्स के लिए हैं, और 6 वैकेंसीज हैं यहाँ पे फ्रेंड्स टोटल। अब इसके बाद जो अगली वैकेंसीज है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में ही निकली हैं ऑप्थल्मिक ऑफिसर की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये जॉब है, इसका कोड है 909, और जनरल स्पोर्ट्स कैंडिडेट्स के लिए 2 वैकेंसीज ये रिजर्व है। अगली भी हेल्थ एंड वेलफेयर फैमिली वेलफेयर में फार्मासिस्ट एलोपैथी में ये वैकेंसी है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, कोड है 910, 6 वैकेंसीज हैं और ये स्पोर्ट्स के लिए रिजर्व है। इसके बाद टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में होस्टल सुपरिटेंडेंट की कम पीटीआई की जॉब है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, 18,300 आपको फिक्स अमाउंट मिलेगा, कोड रहेगा 911, और टोटल वैकेंसीज यहाँ पे हैं 3। आगे हिमुडा में ही जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है, 912 इसका कोड रहेगा, एक ही वैकेंसी है, अनरिजर्व्ड है ये जनरल के लिए। फिर एचपी पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड में जूनियर ऑफिसर P&A की वैकेंसीज निकली हुई है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, ये भी एक ही वैकेंसी है, वो भी अनरिजर्व्ड रहेगी। प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विसेज जूनियर टेक्नीशियन टेलर मास्टर की रिक्वायरमेंट है, उसमें 7,810 फिक्स रहेगा आपका जो सैलरी है, प्लस ग्रेड पे मिलेगा आपको, 914 कोड है, और यहाँ पे भी एक ही आप लोगों के लिए वैकेंसी है। फिर उसके बाद प्रिजंस एंड करेक्शनल सर्विसेज असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल में भी वैकेंसीज निकली हुई हैं, उसके लिए जो कोड रहेगा 915 है, टोटल यहाँ पे 4 वैकेंसीज हैं। उसके बाद इनका जो स्केल रहेगा 14,900 रुपया रहेगा, प्लस जीपी अलग से मिलेगा। फिर एचपी फायर सर्विसेज में फायरमैन की पोस्टें निकली हुई हैं, कोड रहेगा 916, टोटल पोस्टें हैं ये 43। फिर उसके बाद रेवेन्यू डिसास्टर मैनेजमेंट में सुपरवाइजर फॉर स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ऑन रेगुलर बेसिस, 917 इनका कोड है, एक ही वैकेंसी यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए है। फिर वेरियस डिपार्टमेंट क्लर्क की वैकेंसी निकली है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, एमलमेंट मिलेगा 7,810 रुपये पर मंथ, प्लस ग्रेड पे अलग से मिलेगा, 918 इनका कोड है। तो डिपार्टमेंट की बात करें तो पहला है डिप्टी कमिश्नर सोलन,
वहाँ पे चार वैकेंसीज हैं, डिप्टी कमिश्नर उन्ना वहाँ पे भी चार वैकेंसीज हैं, टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सुंदरनगर वहाँ पे एक वैकेंसी है, एचपी स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में एक ही वैकेंसी यहाँ पे अवेलेबल है, तो ये टोटल वैकेंसीज होगी 10। फिर एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट में लैंग्वेज टीचर की रिक्वायरमेंट है, 10-13,500 रुपया यहाँ पे पर मंथ आपको मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है, इसका कोड रहेगा 919 और ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में है और टोटल वैकेंसीज हैं यहाँ 9। फिर पंचायती राज में हॉस्टल वार्डन की रिक्वायरमेंट है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, कोड है 920 और टोटल वैकेंसीज हैं यहाँ पे 2। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रेस डफ्टरी में रिक्वायरमेंट है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, 7,810 आपको फिक्स अमाउंट मिलेगा, 921 कोड है, यहाँ पे भी एक ही वैकेंसी है। उसके बाद रेवेन्यू डिसास्टर मैनेजमेंट में अकाउंटेंट की रेगुलर बेसिस पे जॉब रहेगी, ग्रेड पे कम फुल स्केल मिलेगा आपको, 922 कोड है इसका और एक ही यहाँ पे वैकेंसी है। और उसके बाद 31वें नंबर पे आ जाते हैं जल शक्ति विभाग में जूनियर इंजीनियर सिविल की रिक्वायरमेंट है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, 14,100 आपको पर मंथ मिलेगा प्लस आपको ग्रेड पे मिलेगा, 923 कोड नंबर है, टोटल वैकेंसीज हैं 10। उसके बाद रेवेन्यू डिसास्टर मैनेजमेंट में डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की में रिक्वायरमेंट है और ये रेगुलर बेसिस पे रिक्वायरमेंट है, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 924 कोड है, टोटल वैकेंसीज हैं 3। अब इसके बाद बात करेंगे हम कि मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो देखिए स्टाफ नर्स के लिए तो आपकी होनी चाहिए +2, साथ में आपका GNM अगर मिनिमम है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। फार्मासिस्ट एलोपैथी में अगर आपकी 10+2 है और आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है फार्मेसी में तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। और तीसरी वैकेंसी है बी कीपर की, उसमें भी 10+2 या इसके इक्विलेंट, साथ में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए इन माली क्लास या हॉर्टिकल्चर ट्रेड में किसी भी रिकॉग्नाइज ITI से, या फिर 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए हॉर्टिकल्चर वर्क में इन एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफिसर सेरिकल्चर के लिए BSc एग्रीकल्चर या BSc विद जियोलॉजी बॉटनी होनी चाहिए आपकी, और कम से कम 5 साल का आपका सेरिकल्चर ऑपरेशन में एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ दिस पोस्ट इफ शी हैज पास मेट्रिकुलेशन एंड 10+2 फ्रॉम एनी स्कूल इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड विद इन हिमाचल प्रदेश, प्रोवाइडेड दिस कंडीशन शैल नॉट अप्लाइड टू बोनाफाइड हिमाचली। ठीक है, अब देखिए ये कंडीशन इसलिए लिखी है कि अगर आप मान लो दूसरी स्टेट में भी रहते हैं लेकिन आपने 10th और प्लस टू जो है हिमाचल प्रदेश से की है तो आप इस जॉब को के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं मेंटेनेंस सुपरवाइजर के लिए, उसके लिए भी यू शुड बी मैट्रिकुलेट विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एज इलेक्टिव सब्जेक्ट, और इसके अलावा मेंटेनेंस सुपरवाइजर में यू शुड हैव 3 ईयर्स एक्सपीरियंस एज टेक्नीशियन, इसके अलावा या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में, मतलब आपने ITI की होनी चाहिए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। ठीक है, और एक जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है उसका 10+2 होना चाहिए हिमाचल प्रदेश से ही। ओके, और इसके बाद बात करते हैं अकाउंटेंट की, उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए BCom होनी चाहिए और हैविंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। आफ्टर दैट लेट्स मूव टू अनदर कैटेगरीज, अकाउंटेंट के बाद ऑक्शन रिकॉर्डर BSc एग्रीकल्चर या BSc हॉर्टिकल्चर होनी चाहिए आप लोगों की, सिंपल तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जूनियर इंजीनियर की बात करें तो डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में 55% मार्क्स के साथ। इलेक्ट्रिशियन के लिए आप लोगों के पास की मैट्रिक होनी चाहिए और टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आपकी ITI होनी चाहिए एज इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन ट्रेड में। ठीक है, और इसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट की बात करें केमिस्ट्री एंड टैक्सोकोलॉजी में तो आपकी सेकेंड क्लास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इसमें टेक्सोकोलॉजी के में, और फॉरेंसिक साइंस में सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन फॉरेंसिक साइंस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, या फिर आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए फॉरेंसिक साइंस में किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। तो प्रोवाइडेड दैट कैंडिडेट ने जो प्लस टू है वो अपने ही हिमाचल प्रदेश से की होनी चाहिए। अब 903 नंबर पे आते हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए, तो इसमें आप लोगों का प्लस टू होना चाहिए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, आपका 10+2 एग्जामिनेशन होना चाहिए फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन या यूनिवर्सिटी, या फिर आपका मैट्रिकुलेशन होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन विद 1 or 2 years डिप्लोमा सर्टिफिकेट फ्रॉम एन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, मतलब ITI साथ में होनी चाहिए आप लोगों की, या फिर आपकी कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 words per minute in English या 25 words in Hindi।
इसके बाद आगे चलते हैं, लॉ ऑफिसर के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए लॉ की किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, लेकिन आपकी प्लस टू जो है आपकी हिमाचल प्रदेश से होनी चाहिए। फिर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन की अगर बात करें ग्रेड टू के लिए, तो 10+2 होनी चाहिए आपकी साइंस में, और बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी का आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना जरूरी है, और शुड बी रजिस्टर्ड, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए हिमाचल प्रदेश में। जूनियर इंजीनियर की बात करें तो उसमें यू शुड हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए आप 10+2 आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट होना चाहिए, प्लस टेनो का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए भी 10+2 होनी चाहिए आपकी विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और अगर आप लोगों की मैट्रिकुलेशन जो है और 10+2 जो है वो हिमाचल प्रदेश से है, तो यू आर एप्लीकेबल फॉर दिस। ओके, अब ए कैंडिडेट शुड बी एटलीस्ट ए कैटेगरी 4 स्पोर्ट्समैन हु इज मेडिकल विनर्स इन ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स। अब अगली बात करते हैं ऑप्थाल्मिक ऑफिसर्स के लिए, तो आपकी प्लस टू होनी चाहिए, और इसके अलावा आप लोगों के पास 2 साल का ड्यूरेशन का सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेनिंग इन ऑप्थाल्मिक असिस्टेंटशिप में आपका 2 साल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आपकी बीएससी डिग्री होनी चाहिए इसमें। फिर फार्मासिस्ट की बात करें एलोपैथी में, तो 10+2 आपकी होनी चाहिए, साथ में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए फार्मा का। उसके बाद हॉस्टल सुपरिटेंडेंट के लिए मैट्रिक आप लोगों की पास होनी चाहिए, मैट्रिक पास होने चाहिए आप, और साथ में आपके पास फिजिकल एजुकेशन का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। जूनियर इंजीनियर की अगर बात करें तो आपकी मैट्रिक होनी चाहिए, साथ में आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा ITI होनी चाहिए। अब इलेक्ट्रिकल में जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए थी। उसके बाद जूनियर ऑफिसर की बात करें तो यू शुड बी ग्रेजुएट विद 1 year फुल टाइम डिप्लोमा इन HR या पर्सनल मैनेजमेंट विद 55% मार्क्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और आपको MS वर्ड का पूरी नॉलेज होनी चाहिए। जूनियर टेक्नीशियन टेलर मास्टर की बात करें तो आपको 10+2 आपकी होनी चाहिए, और साथ में आपके पास कंप्यूटर बेसिक आप लोगों को अच्छी तरीके से आना चाहिए, और आपका डिप्लोमा लाइक टेलर मास्टर के लिए आपका यू शुड हैव पास्ड डिप्लोमा इन टेलरिंग में, आपका टेलरिंग एंड कटिंग में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। फिर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की बात करें जेल में, और वेलफेयर ऑफिसर कम असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की अगर बात करें तो यू शुड बी ए ग्रेजुएट, आप ग्रेजुएट होने चाहिए सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट से। फिजिकल स्टैंडर्ड आपका हाइट जो है 5'6" 5'4" होनी चाहिए, 5'6" होनी चाहिए, और इन केस ऑफ अगर हम बात करें SC ST की तो उस केस में 5'4" और फीमेल के लिए ये रहेगी 5'2" और कम 5'5" चेस्ट ओनली फॉर मेल, एंड 31 अनएक्सपेंडेड 32 एक्सपेंडेड होनी चाहिए। तो ये कुछ कंडीशंस हैं इसके लिए, और फायरमैन के लिए जो जॉब है उसकी जो कंडीशंस हैं, पहली बात तो यू शुड बी मेंबर ऑफ हिमाचल होमगार्ड, शुड बी एन या फिर आप एक्स सर्विस मैन होने चाहिए, और आपने पास की होनी चाहिए एटलीस्ट प्लस टू स्टैंडर्ड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड, या फिर आप एक आर्मी फर्स्ट क्लास आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो इसमें भी आपके पास जो फिजिकल की बात करें तो हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर, चेस्ट 80 सेंटीमीटर, एक्सपेंशन अप टू 85 होने चाहिए, वेट जो है 52 kg होने चाहिए। आई साइट की बात करें 6x6 आपकी होनी चाहिए। फिजिकल एफिशिएंसी में 100 मीटर रेस आप लोगों को, और 50 kg वेट ऑफ सैंड बैग इन 1 minute कंप्लीट होना चाहिए। क्लाइंबिंग ऑफ रोप जो है अप टू 12 feet आप लोगों की होनी जरूरी है। अब बात करते हैं सुपरवाइजर फॉर स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में, तो इसमें ग्रेजुएशन आप लोगों की होनी चाहिए, और क्लर्क के लिए बात करें तो क्लर्क के लिए भी आपकी प्लस टू होनी चाहिए, और मिनिमम स्पीड 30 words per minute इंग्लिश और 25 words per minute इन हिंदी टाइप राइटिंग होनी चाहिए कंप्यूटर के ऊपर। उसके बाद लैंग्वेज टीचर की बात करें तो आपकी BA इन हिंदी होनी चाहिए एज इलेक्टिव सब्जेक्ट, एंड 2 year डिप्लोमा होनी चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, या फिर आपकी BA होनी चाहिए एटलीस्ट 50% के साथ। तो ये कंडीशंस इसमें लिखी हुई हैं ऑलरेडी। अब हॉस्टल वार्डन वो मैं आप लोगों को लिंक में दे दूंगा, फिर आप पढ़ भी सकते हो, लेकिन आप लोगों की नॉलेज के लिए यहाँ बता रहा हूँ। हॉस्टल वार्डन के लिए यू शुड हैव बैचलर डिग्री, मतलब आप ग्रेजुएट होने चाहिए। प्रेस डल्ट्री के लिए आप प्लस टू होने चाहिए, और साथ में आपके पास ITI होनी चाहिए, नेशनल ट्रेड की या स्टेट लेवल की अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। अकाउंटेंट के लिए BCOM होनी चाहिए, और आपकी जो प्लस टू है वो हिमाचल प्रदेश से, 10वीं या प्लस टू जो है हिमाचल प्रदेश से
होनी चाहिए। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आप लोगों की प्लस टू जो है किसी भी मतलब फ्रॉम द रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, साथ में आपके पास कम से कम एक साल के ड्यूरेशन का डाटा एंट्री ऑपरेटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपकी टेंथ और प्लस टू जो है वो हिमाचल प्रदेश से ही होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। अब डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो ये सारी की सारी कंडीशंस इसमें जो लिखी हुई हैं ये आपको लिंक में सारी की सारी मिल जाएंगी। और इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन जो है आप लोगों का एक रिटन टेस्ट होगा 85 मार्क्स का, तो ये भी सारा का सारा डिटेल इसमें दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो ये आज जो जॉब्स आप लोगों के लिए निकली हुई हैं हिमाचल प्रदेश की तरफ से, दैट इज हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की तरफ से, तो इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 9/5/2021 लास्ट डेट इसकी रहेगी। तो बाकी जो डिटेल्स हैं इसकी कम्प्लीटली आप लिंक में आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसमें क्लिक करोगे तो आप लोग फिर सारी की सारी डिटेल्स देख सकते हैं। तो फ्रेंड मेरी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, और जॉब्स की जानकारियां चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।